सोलो नहीं लोगे साथ में लोगे, साथ में बोलूं चलेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं और ये है ठीक ही साहब है। सुनिए, भीगे होठ तेरे, आई हैड अ बिग एक्सीडेंट ऑन द बॉम्बे पुणे हाईवे, और एक्सीडेंट के बाद इनकी डेट थी। मैं फिर भी आया, मैं बहुत बीमार था एक्सीडेंट में, मुझे बहुत सारा लगा था, यू कैन चेक ऑन यूट्यूब, लेकिन मैंने आया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने पिक्चर कंप्लीट की। और पिक्चर निकी साहब ने बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई, एक नंबर। राजस्थान में जोधपुर में थे हम, और ये तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया इसने, और बढ़िया पिक्चर बनी है। हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, दर्शकों ज़रूर देखिए भीगे होठ तेरे, आपका फुल टाइम पास वैसा वसूल पिक्चर है, यू विल लव इट। सर क्या किरदार सर आपका है, रोल क्या सर आपका? मेरा रोल CBI ऑफिसर है, जो ये हीरोइन है वो मर्डर करती है, और लास्ट में कैसे हम उसको पकड़ते हैं ये कहानी है पिक्चर की, और सस्पेंस थ्रिलर और रोमांटिक, और गाने भी बहुत बढ़िया है, लोकेशन भी बहुत अच्छे है, हमारे डायरेक्टर साहब भी अच्छे, पूरी पिक्चर अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। मुझे लगता है ऑडियंस को भी पिक्चर बहुत अच्छी लगी। मैम आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ नमस्ते, मेरा नाम हेमांगिनी काज है, और हमारे प्रोड्यूसर जी है राम प्रसाद जी, और हमारे डायरेक्टर निकी बत्रा जी ने मुझे मौका दिया इस फिल्म में काम करने के लिए। और सबसे बढ़िया तो इन्होंने रोल जो लिखा खास मेरे लिए लिखा गया है, और सर ने खास बुला के मुझे वो सुनाई थी ये स्टोरी, और मुझे कहा कि ये रोल तुम करोगे क्या, तो मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, मैं पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव करना बहुत पसंद करूँगी, क्योंकि काफ़ी फिल्मों में मैंने पॉजिटिव किया है, तो इस बार मैं नेगेटिव कैरेक्टर के साथ आ रही हूँ। और ये फिल्म जो है फुल ऑन मसाला फिल्म है, म्यूजिकल मर्डर मिस्ट्री है, इसके सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, और इस फिल्म का एक्शन थ्रिलर एवरीथिंग इज जस्ट सुपर। तो अब आप लोग के ऊपर है, ऑडियंस के ऊपर है कि इसको किस तरीके से आप सक्सेस देते हैं। हमें तो ये फिल्म करते हुए बहुत मज़ा आया जोधपुर में, सॉरी टू डिस्टर्ब। और ये पिक्चर ऐसी है कि आप पिक्चर देखोगे तो एक मिनट का भी बोरिंग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, एक सेकंड के लिए भी आपको कहीं भी इसमें बोरिंग या कहीं पे भी आपको लैकिंग ऑफ बोरिंग कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा। कैसा रहा एक्सपीरियंस हेमंत सर के साथ में काम करने का? मैंने फर्स्ट टाइम इनके साथ काम किया है, और मुझे इतना अच्छा लगा कि इतने सीनियर एक्टर होके भी इतने हम्बल, और सारे न्यू एक्टर्स को इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं, और ये इनका बड़प्पन है कि ये मतलब अभी भी हम लोग के जैसे ही वो रहते हैं, और हमारे जैसे ही वो मजाक मस्ती करते हैं, वो देख के हमको बहुत अच्छा लगा। हमें पहले लगा नहीं हेमंत जी है तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, बट ही इज़ वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल। बहुत पिक्चर आ गए अभी, मेरी सूर्या रिलीज हुई लास्ट मंथ, सुपर डुपर हिट, बड़ी पिक्चर, अभी हिंदी में भी ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज हो रही है, मेरी वेब सीरीज आ रही है, रेत आ रही है, मेरी अमेजोन पे जंगल दल रिलीज हुई अभी, अमेजोन प्रोडक्शन, मैं काफ़ी पिक्चरें कर रहा हूँ, काम कर रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मेरे जनता मेरी पब्लिक जो मुझे चाहते हैं उनका प्यार है मेरे साथ, थैंक यू सो मच। एक मिनट हमारे डायरेक्टर निकी साहब हमेशा साइड में ही होते हैं हमारे साथ, ये फिल्म के पूरे क्रेडिट इनको जाती है, सारी कास्टिंग इन्होंने की है, हम लोग को जितने भी सपोर्ट और बूस्टिंग दी है सर ने दी है, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। ही इज वेरी कंफर्टेबल ऑन द सेट, आपको लगेगा नहीं किसी डायरेक्टर के साथ का काम कर रहे हो, इतना आसानी से आ रहे आप सर, ऐसा कीजिए और काम, क्वालिटी वर्क, और एक लव यू का भी प्रेशर नहीं, इतना हंसी मजाक में हम लोग ने पूरी फिल्म शूटिंग कर ली, हमें पता भी नहीं चला कि कभी खत्म हो गई। ये फिल्म भीगे होठ तेरे एक सस्पेंस मर्डर हिस्ट्री है,
और एक स्टोरी जहन में आई हमारे कि एक इसको इस तरीके से कुछ करें हम लोग। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब है मिस्टर नितिन चावलिया, इन्होंने इसको बनाने का बीड़ा उठाया और फिर बाद में हेमंत जी आ गए, हेमांगनी आ गई, टाइगर साहब आ गए, इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया फिल्म के लिए बनाने के लिए। और हमने एक अच्छी कोशिश की है, सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री और एंटरटेनर फिल्म जो यूथ के लिए बनाई है, यंग जनरेशन के लिए। देखते हैं अभी पब्लिक आई मीन यंग यूथ लोग क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में। इट्स अ टोटल मसाला ऑफ फिल्म और गाने हैं सस्पेंस लाइक महेश भट्ट टाइप ऑफ फिल्म। अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी लगी मुझे सबको। मैं चाहूँगा कि सर आप कहेंगे सर बताइए। बोलिए। मैं नितिन चावला जोधपुर से, राजस्थान से। ये फिल्म मैं यहाँ मुंबई फर्स्ट टाइम आया था जब निकी सर मिले थे मुझे। जब उनकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी इस फिल्म की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने ये सोचा कि ये फिल्म मुझे भी बनानी है और मैं एक सपना था बनाने का, तो वो मेरा सपना पूरा हुआ। और ये बहुत ही निकी सर ने मेहनत से बनाई है और बहुत लगन से बनाई है। मैडम सर जी ने पूरा सपोर्ट मिला इनका हमें। और ये ऑल इंडिया में ये फिल्म रिलीज हो रही है जी सर। कितने स्क्रीनिंग का होता है, कितने स्क्रीनिंग है? खाना 80 सिनेमाज में हुई है जो अभी तो आज रिलीज हुई है। गुजरात, मुंबई और गुजरात और कैलकटा, वेस्ट बंगाल, सब रिलीज। सर सबसे पहले इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? सर ये फिल्म मेरे को मिली जब से मैं 4 महीने पहले से मेरा इनका कॉन्टैक्ट हुआ, तब से मैं फ़िल्म का सारा काम मैंने किया, लोडिंग से लेके काफ़ी काम किया। और मैं रिलीज आज ये धंधे में मैं 25 साल से हूँ और ये मेरा पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा है। पिक्चर ठीक है और इसमें उम्मीद है कि पिक्चर आगे बहुत अच्छी जाएगी सर। आज यहाँ पहले सर आज जो पब्लिक ने देखा मूवी को, मूवी देख के बाद बहुत अच्छा बोला है और बाकी अभी देखते हैं आगे और क्या कैसे रिस्पॉन्स आता है सर। सर सभी का एक्टिंग बहुत अच्छा है सर, जो भी हमारी सेकंड हीरो ने जो गुड परफॉर्मेंस दिया है उसने, और बाकी हेमंत जी का भी बहुत अच्छा काम है सर, और उनका जो एक इंस्पेक्टर का रोल है उन्होंने बखूबी अच्छा निभाया है सर। सर अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक मेरे भोजपुरी पिक्चर रूप मेरे प्यार का वो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, उसके बाद एक हिंदी पिक्चर है सर वो रिलीज करेंगे, तो उसके बाद इसी तरह से हमारा 2-3 पिक्चर है रिलीज पे सर। भोजपुरी का सर बीच में लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा डाउन हुआ था क्योंकि अभी थिएटर में फिर से पब्लिक आना शुरू हुआ है, 2-4 फिल्में रिलीज हुई हैं। अब ये हम रूप तेरा रूप मेरे प्यार में ये जो रिलीज करने जा रहे हैं इसमें प्रमोद प्रेमी जी हैं, आकांक्षा दुबे जो एक हीरोइन सुसाइड कर चुकी वो मेन हीरोइन है, तो देखते क्या रिस्पॉन्स आता है पब्लिक का। या सर तो कब तक रिलीज कर रहे हैं इसको? ये सर 2 जून का प्लानिंग है मेरा रिलीज करने का। पिक्चर अभी आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से ठीक है और छोटे बजट की पिक्चर है तो और उसमें और क्या चाहिए, 100-200-500 करोड़ रख की आती है तो कम से कम पब्लिक को एक आध बार ऐसी फिल्में भी देखनी चाहिए। मैं भी आया था गेडी गैलेक्सी में, मैं सोचा चल के 2 घंटे टाइम पास करूँ, मैं तो ऐसे ही चले गया, लेकिन देखने के बाद फिल्म ठीक है और जो एक्टर हैं सब उसमें सबका मिला जुला के काम ठीक है। हेमंत बुर्जे का भी काम अपनी जगह ठीक ही है और थोड़ा मनोज कुमार की एक्टिंग करते हैं वो, उनके एक्टिंग से ऐसा लगता है जो हमारे पूरा एक्टर थे मनोज कुमार। और एक बार देखना चाहिए, अच्छी फिल्म है, भले छोटे बजट की लेकिन अच्छी फिल्म है। कितने शर्ट देंगे सर? 4 मूवी बहुत अच्छा है, मैंने इसमें म्यूज़िक भी दिया है और मुझे नहीं पता था कि मूवी इतनी अच्छी निकल के आने वाली है, एक बार सभी को इस मूवी को देखना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? जबरदस्त बहुत अच्छा लगा। मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर और यहाँ पे एक किरदार भी किया, निकी सर बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है और हमारे चावड़िया फिल्म्स राम प्रसाद जी, नितिन चावड़िया जी जिन्होंने इस फिल्म का प्रोड्यूस किया है,
सबको बोलता हूँ, सब दर्शकों को बोलता हूँ, बहुत अच्छा आइए इस पिक्चर को देखिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम अमरेंद्र बिरसरिया है और मैं मूवी देखने के लिए आया हुआ था ये, लेकिन मैंने जितना भी मूवी देखा हुआ है ये मूवी ऐसी है ना कि आप देखोगे आपका इंटरटेनमेंट और पूरा इंटरटेनमेंट है, इस एक भी प्रकार से आप बोर नहीं होते हो और फुल इंटरटेनमेंट। तो आप ज़रूर देखिए और आप, मैं 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा। एक्चुअली जब मैं पिक्चर देखने के लिए बैठा तो मुझे लगा कि शायद ये पिक्चर में दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्टोरी बढ़ी और पिक्चर आगे बढ़ी तो बहुत ही अच्छी लगी पिक्चर, और थोड़ा सस्पेंस भी था, बहुत मज़ा आया पिक्चर देखने के में। और जैसे कि हेमंत बिरजे जी इसमें एक्टर है जो कि मेरे पसंदीदा एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है हेमंत बिरजे जी, उनकी टारगेट फिल्म तो बहुत हिट हुई थी, ये फिल्म भी हिट होगी। सॉरी, 5 में से एटलीस्ट 3 स्टार तो मैं दे सकता हूँ अपनी तरफ से। बद्रा साहब एक बेहतरीन कोरियोग्राफर तो थे ही, और इस फिल्म से उन्होंने साबित कर दिया कि एक अच्छे डायरेक्टर भी हैं, और उनकी कोशिश से एक अच्छी फिल्म बनी है, बेहतरीन फिल्म है, और राम प्रसाद जी की पहली फिल्म, सक्सेसफुल फिल्म, और मैं चाहता हूँ दर्शक आकर इसे थिएटर में देखें। 3 मूवी बहुत अच्छी है, इसको तो सब पसंद आएगी, मसालेदार मूवी है, हम इसको 4 स्टार देते हैं। पिक्चर बहुत अच्छी लगी मेरे को, और पिक्चर चलने लायक है, और ज़बरदस्त स्टोरी, क्लाइमेक्स अच्छा है इसका, मैं चाहूँगा पब्लिक को पसंद आएगी पिक्चर, ऊपर वाले लोगों को आके पिक्चर अच्छी चले और ज़बरदस्त चले, लोगों ने सब काम अच्छा किया, सबने सबको मेरा प्यार मोहब्बत का आशीर्वाद। 5 में से कितने स्टार देंगे? 4 स्टार।